हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज के हम इस लेक्चर में वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, वर्ण विचार के बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में जो कि हमारी फर्स्ट क्लास थी हिंदी की, उसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड। मैंने आपको पाठ्यक्रम की एक विस्तृत जानकारी दी थी कि भाई हमको हिंदी के पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं, उन सबका एक विस्तृत परिचय मैंने आपको दिया था। और मैंने आपको ये बताया था कि जो हिंदी भाषा या हिंदी व्याकरण का जो सबसे मौलिक टॉपिक है वो है वर्णमाला या वर्ण विचार। वर्णमाला को या वर्ण को पढ़े बिना हम लोग आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, अगले टॉपिक्स को नहीं समझ सकते, है ना। तो अगर आपके सिलेबस में डायरेक्टली वर्णमाला मेंशन नहीं भी है तब भी इसको पढ़ना हमारे लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम अगले टॉपिक्स जैसे संधि और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी वैसे एक भाषा है लेकिन इसका अध्ययन हमको एक विषय के रूप में करना है, अर्थात हिंदी के जो व्याकरण संबंधी नियम है उसमें कौन कौन से अलग अलग तरह के शब्द है, कौन से नियमों के आधार पर हिंदी भाषा बनी है, उनसे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों और विभिन्न बातों को हमको इसमें समझना होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमको इसको एक विषय के रूप में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि भाषा क्या होती है। भाषा मनुष्य के भाव और विचारों को प्रकट करने का एक जरिया, एक माध्यम होती है। अगर मेरे दिमाग में कोई विचार है या कोई भाव है और मुझे किसी को बताना है, किसी को कन्वे करना है, तो उसके लिए जो माध्यम है वो भाषा है। भाषा तीन तरह की या तीन रूपों में होती है, एक मौखिक, दूसरी लिखित और तीसरी संकेत भाषा। यदि मैं अपने विचारों को बोलकर बता रहा हूं तो वो मौखिक भाषा है, लिखकर बता रहा हूं तो वो लिखित भाषा है, और यदि मैं अपने शरीर के या चेहरे के भावों के द्वारा, विभिन्न आंगिक क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अपनी बात को कन्वे कर रहा हूं तो वो संकेत भाषा है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सबसे पहले भाषा का जो रूप आया था वो संकेत भाषा थी। मनुष्य पहले केवल आंगिक और शारीरिक मूवमेंट्स के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा अपनी बात दूसरे को समझाता था। धीरे धीरे उसने साउंड्स को प्रोड्यूस करना सीखा, यानी ध्वनियां बोलना सीखा, उनका उच्चारण करना सीखा और उन ध्वनियों को जोड़ करके शब्द बनाए, हर चीज के लिए एक शब्द बनाया, और इस तरह भाषा का विकास हुआ। और जब मौखिक भाषा अपने उच्च स्तर या थोड़े ठीक ठाक स्तर पर, विकसित स्तर पर पहुंच गई, उसके बाद उसका लिखित रूप अस्तित्व में आया, यानी हर ध्वनि के लिए, हर साउंड के लिए जो मनुष्य बोल पा रहा था उसने एक एक चिन्ह बना लिया, और हर साउंड के लिए जब चिन्ह बने तो उससे फिर भाषा का लिखित रूप अस्तित्व में आया। और ये बहुत बाद में हुआ, मौखिक रूप सामने आने के कई समय बाद ये बात हुई कि लिखित रूप सामने आया। जैसे क्या किया होगा मनुष्य ने, सोचा होगा कि भाई मैं एक बोल पा रहा हूं क, मैं एक ध्वनि क्या बोल पा रहा हूं क, तो उसने बोला भाई एक ऐसा हम लेटर बना लेते हैं, अब जहां भी ये लिखा दिखेगा मान लेंगे कि क्या लिखा है, क लिखा है। उसने सोचा होगा कि मैं एक साउंड बोल पा रहा हूं प, तो उसने ऐसा लेटर बना लिया। वो कहा कि जब भी ये लिखा दिखे मान लेना कि क्या लिखा है, प लिखा है, प ध्वनि बोली जा रही है। तो इस तरह फिर लिखित रूप सामने आया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि या वर्ण। ध्वनि और वर्ण एक ही है, अगर मैं बोल रहा हूं तो वो ध्वनि है और उसको अगर मैं लिख दूं तो वो वर्ण कहलाने लगता है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। मौखिक रूप जो है वो क्या है, ध्वनि है, और उसी को अगर मैं लिख दूं, एक चिन्ह बना दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर के फिर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है और सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, ठीक है। विभिन्न वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और विभिन्न शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं, और वाक्य से कोई बड़ी इकाई नहीं है, वाक्य फिर भाषा बनता है, बहुत सारे वाक्य मिलकर के भाषा बन जाती है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई हमारी, वाक्य हो गई। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि वाक्य ही वो इकाई है जो भाषा का उद्देश्य पूरा करती है। भाषा का उद्देश्य क्या है, मेरी बात यानी कहने वाले की बात सुनने वाले तक पहुंचाना, जो मैं सोच रहा हूं आपको समझा सकूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, ठीक है। तो भाषा का उद्देश्य होता है एक व्यक्ति के मन में जो भाव या विचार आया उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना।
और इस उद्देश्य को भाषा की कौन सी इकाई पूरा करती है इन तीनों में से? वाक्य पूरा करती है। केवल शब्द भी नहीं कर सकता, केवल वर्ण भी नहीं कर सकता। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं लिख दूं इंदौर तो मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी क्या कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं। जब तक मैं पूरा वाक्य ना लिखूं कि मैं कल इंदौर जाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आइडिया भले ही लग जाएगा कि भाई इंदौर से रिलेटेड कोई बात हो रही है, पर एग्जैक्ट क्या बात हो रही है ये पता नहीं चलेगा। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और यही भाषा के उद्देश्य को पूरी तरह से, एक तरह से पूरा करती है, संपूर्ण रूप में पूरा करती है। ठीक है। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, यानी ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। इसका क्या मतलब है? सबसे छोटी का मतलब ये होता है कि इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और सबसे छोटी है मतलब इससे छोटी नहीं होगी, और इससे छोटी नहीं होगी मतलब इसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे अगर मैंने लिखा आमन, तो ये अमन तो एक शब्द है, इसको मैं तोड़ सकता हूं, अ अलग कर दिया, म अलग कर दिया, न अलग कर दिया। लेकिन मैं अ लिखूं तो अब इस अ को आप नहीं तोड़ सकते, इसको और छोटे टुकड़ों में टूटेगा क्या? ये नहीं टूटेगा। अगर मैंने म लिख दिया तो ये और छोटे टुकड़ों में टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, क्योंकि ये वर्ण है, ध्वनि है। ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है, जिसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ना संभव नहीं है। जैसे अ को, अ एक ध्वनि है, इसको आप और छोटा तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते। अ को तोड़ा, क्या बोलोगे अ को तोड़ के? कुछ भी नहीं बोल पाओगे। मां, मां को और छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तो कुछ बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। ठीक है। तो जो वर्ण है वो सबसे छोटी इकाई है, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य। अब देखिए, समझने की बात यह है कि वर्ण और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं तो वो ध्वनि है, साउंड जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। ठीक है। और यदि इसी को मैं लिख दूं, इसी के लिए मैं एक चिन्ह बना दूं, इसी के लिए एक मैं लिपि चिन्ह बना दूं, जिसको हम लिपि चिन्ह बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्ण, जिसको अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं क, केवल बोल रहा हूं क, तो ये क्या है? साउंड है, क्योंकि मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूं गले से बोल के, तो ये क साउंड है। और इसी क के लिए मैंने कोई साइन बना दिया, कोई चिन्ह बना दिया, ये तो ये क्या हो गया मेरा? ये वर्ण हो गया। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, एक मौखिक है, दूसरा लिखित है। ध्वनि ही वर्ण है, यदि केवल बोला जाए तो ध्वनि और लिख दिया जाए तो वर्ण बन जाता है। तो पहले दुनिया में ध्वनियां आई, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, उसने एक एक साउंड प्रोड्यूस करना सीखा, और फिर उस साउंड के लिए उसने लेटर बना दिए। इंसान की प्रगति में उसकी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है अन्य पशुओं की तुलना में। देखिए, बाकी जो पशु हैं उनके पास भाषा इतनी स्पष्ट और इतनी उन्नत नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटिमेंट्स को, बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज को, बहुत जटिल विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते जैसे मनुष्य कर सकता है। इसीलिए मनुष्य अन्य पशुओं की तुलना में बहुत उन्नत अवस्था में पहुंचा, बहुत सभ्य बना, तो उसमें भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बाकी जानवर भी के पास भी भाषा तो है, पर वो बहुत बेसिक विचारों को ही कन्वे कर पाते हैं, जैसे भूख, जैसे दुख, थोड़ा बहुत भूख को कन्वे कर पाएंगे, मार पड़ रही है तो जो पीड़ा हो रही है उसको कन्वे कर पाएंगे इसको। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल विचारों को, जो सोच और विचार के स्तर पर होते हैं, उनको कन्वे करने के लिए पशुओं के पास भाषा नहीं होती है। ठीक है ना। तो भाषा को आप हल्के में मत लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक है जो मनुष्य के योगदान में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है। तो मौखिक हो तो साउंड और लिखित हो तो वर्ण। अब वर्णों से मिलकर के क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनेंगे, और शब्दों से मिलकर के अंततः भाषा का निर्माण, मतलब वाक्य बनेंगे, और वाक्यों से मिलकर के अंततः हमारी भाषा का निर्माण होगा। ठीक है।
अब हम आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? वर्ण मतलब वाला मतलब वर्णों की माला। देखो अब मनुष्य जितने भी तरह के साउंड प्रोड्यूस कर पा रहा है, कई तरह के साउंड हम बोल पाते हैं, ठीक है, जैसे हम अभी बोल पाते हैं, क बोल पाते हैं, प बोल पाते हैं, ल बोल पाते हैं, च बोल पाते हैं, ख बोल पाते हैं, ऐसे कितने सारे साउंड है हम जो बोल पाते हैं, कई सारे साउंड हम बोल पाते हैं, ठीक है। इन सारे साउंड्स को हमने एक निश्चित व्यवस्थित क्रम में जमा दिया तो वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा प्रदीप, आप जो भी हो बहुत इसको ध्यान से समझना कि वर्णमाला है क्या, क्योंकि इसी पर आगे की चीजें आपकी चलने वाली है। देखो हमको इसमें रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज को समझ के आगे बढ़ना है, रट्टा मार वाला काम नहीं करना है, बहुत ध्यान से इसको समझना। इसको ऐसे समझो कि आपके पास बहुत सारे, जैसे माला आप समझते ना, फूलों की माला हम बनाते हैं, इसको फूलों की माला से समझो, या मोतियों की माला बनाते हैं, मोतियों की माला से समझो। मान लो कि आपके पास एक बास्केट है, एक टोकरी जैसी है, इसमें कई तरह के फूल हैं, इसमें लाल रंग के कुछ फूल हैं जो कि आप गुलाब के मान लो, कुछ पीले रंग के फूल हैं जिनको आप मैरी गोल्ड या गेंदे के फूल मान लो, ठीक है, इसमें कुछ नीले फूल भी हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ हरे फूल भी हो सकते हैं, ओ ठीक है। तो लाल पीले हरे नीले ऐसे कई तरह के फूल एक टोकरी में भरे हुए हैं, और ये क्या है, सब मिले हुए आपस में, मिक्स है, मतलब ऐसा नहीं अलग अलग छटे हुए नहीं है, फिल्टर किए हुए नहीं, सब मिलवा है आपस में, मिले हुए हैं, ठीक है। अब आपको इन फूलों से क्या बनाना है, एक माला बनाना है, ठीक है। तो माला बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या रेंडमली फूल उठा उठा कर पिरोते जाओगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, दिमाग में पहले एक ऑर्डर तय कर लोगे, क्या कर लोगे, एक सीक्वेंस बना लोगे कि भाई मेरी माला सुंदर बने, इसलिए कैसे सीक्वेंस बनाओगे कि भाई एक बड़ा लाल रंग का फूल मैं डालूंगा बीच में, ठीक है, ये सोचोगे। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि भाई जो बड़ा लाल रंग का फूल है उसके बाद दोनों तरफ छोटे छोटे चार येलो फूल डालूंगा, उसके बाद दो हरे पत्ते लगा दूंगा, आप लोग देखते हैं ना माला, दो हरे पत्ते लगा दिए, ठीक है, उसके बाद नीले रंग के फूल जो है वो डालूंगा तीन तीन, है ना, उसके बाद क्या करूंगा गुलाबी रंग के दो दो फूल डाल दूंगा, ऐसा ऐसे ही करोगे आप माला बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके पास फूल तो कई सारे थे और सब अलग अलग तरह के थे, कोई पीला कोई नीला कोई लाल, लेकिन आपने क्या किया, रेंडमली उसको नहीं पिरोया, पहले एक सीक्वेंस बनाया दिमाग में कि भाई मैं ऐसे बनाऊंगा कि भाई पहले लाल बीच में फिर पीले फिर हरे दोनों तरफ, ऐसा इससे क्या होगा मेरी माला बहुत सुंदर बनेगी। ऐसे ही मोतियों की माला बना रहे हो, आपके पास काले पीले नीले चांदी के सोने के लाख के लाल पीले सफेद मोती, तो आप ये बनाओगे पहले बीच में एक पेंडल लगा दोगे, फिर दो तरफ पीले मोती फिर हरे मोती, इसी तरह हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब आप बस इसको अप्लाई करो ध्वनियों पे, वर्णों पे, ठीक है। तो इसी तरह मनुष्य के पास बहुत सारे वर्ण है, वर्ण मतलब वो कई सारे साउंड्स प्रोड्यूस कर पाता है, बहुत सारी ध्वनियां बोल पाता है, क बोल पाता है, च बोल पाता है, प बोल पाता है, ल बोल पाता है, य बोल पाता है, आ बोल पाता है, ई बोल पाता है, ऐसे कई सारे साउंड है, हम कई सारे साउंड्स बोल पाते हैं। लेकिन आपने बचपन में वर्णमाला पढ़ी होगी, हम क्या करते हैं, क्या कोई भी साउंड कहीं भी रख देते हैं क्या उठा करके? नहीं, हम एक निश्चित व्यवस्थित क्रम बनाते हैं। आपने बचपन में पढ़ा ही होगा अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ बड़ा ओ, ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद अम अह फिर क फिर ख, इस तरह सीक्वेंस बनाए। अब देखो आपने कभी सोचा हो, इस पर विचार किया हो कि भाई ये है तो सभी साउंड्स, सभी ध्वनियां हैं, सभी ध्वनियां हम बोल पाते हैं, तो फिर किसी को पहले किसी को बाद में क्यों रखते, इनको रेंडमली क्यों नहीं रख दिया, हमने अपनी बारह खड़ी त से क्यों नहीं शुरू की, क से क्यों नहीं शुरू की, प से क्यों नहीं शुरू की, अ को सबसे लास्ट में क्यों नहीं रख दिया, आ को बीच में क्यों नहीं कहीं रख दिया, हमने ये सीक्वेंस क्यों तय किया है, क्यों हम इस सीक्वेंस को तय कर रहे हैं, इसको बदल नहीं रहे हैं,
क्या ये रेंडमली सिलेक्ट किया गया है कि हमको आ अच्छा लगता है इसलिए हमने आ पहले रख दिया, फिर हमको आ अच्छा लगता है इसलिए आ रख दिया, ऐसा नहीं। इसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है। ठीक उसी तरह से जैसे आपके इस माला के पीछे एक लॉजिक है। इस माला के पीछे लॉजिक क्या है? सुंदर दिखना, कि भाई आपकी माला आकर्षक दिखाई दे, अट्रैक्टिव दिखाई दे। इसके लिए आपने एक सीक्वेंस तय किया हुआ है। लेकिन यहां पर वर्णों के पीछे जो तर्क काम करता है, जो लॉजिक काम करता है, वो काम करता है इसके उच्चारण का, इसके प्रोनंसिएशन का, तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आप पहले बात ये सोचो कि हमारे पास जितने भी साउंड्स हैं, जितने भी वर्ण हैं जो हम बोल पाते हैं, जो ध्वनियां हम बोल पाते हैं, उसका एक निश्चित व्यवस्थित सीक्वेंस, एक डेफिनेट पर्टिकुलर ऑर्डर क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। इसका मतलब है कि हम कोई भी वर्ण कहीं भी नहीं डाल सकते, किसी भी वर्ण को रेंडमली किसी भी स्थान पर पुट नहीं कर सकते। हमने उसका एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास कई तरह के फूल थे और हमने एक सीक्वेंस बना करके क्या बना ली? माला बना ली। दोनों का आधार अलग अलग है। यहां पर आधार क्या है फूल के केस में? फूल के केस में आधार है माला सुंदर दिखाई दे। और सुंदर कब दिखाई देगी? जब हम उसमें एक क्रम बनाएंगे, बीच में बड़ा फूल, फिर एक जैसे तीन तीन, फिर हरे पत्ते दोनों तरफ एक जैसे, ये हमारा आधार है। लेकिन वर्णों को जमाने का आधार क्या है? वर्ण तो हमारे पास कई सारे हैं, च प ल ह ख ब भ फ, कई सारे हैं। अब हम इसको एक सीक्वेंस में जब डाल देते हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, वर्णों की माला। जितने तरह के साउंड मनुष्य बोल पाता है उसका एक ऑर्डर बनाना। और ये ऑर्डर हम किस आधार पे बनाते हैं? प्रोनंसिएशन के आधार पे, उच्चारण। उच्चारण मतलब बोले कैसे जाते हैं, बोलने। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो ये ऑर्डर है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? देखो ये ऑर्डर है क्या, वर्णमाला है क्या? पहले हम इस ऑर्डर की बात करते हैं। तो वर्णमाला में हम सबसे पहले अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये लिखते हैं। 11 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं अम और आह, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, इंग। उसके बाद च, छ, ज, झ, इय। उसके बाद ट, ठ, ड, ध, अण। उसके बाद त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, ह, ब, भ और म, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं? श, श, स, ह, नहीं पहले य, र, ल, व लिखेंगे, य, र, ल, व, फिर श, श, स और ह, ठीक है। उसके बाद क्ष, त्र, ज्ञ और फिर अंत में श्र लिख देते हैं। और दो में अलग से और लिख रहा हूं, ड और ढ्र, इनको मैंने अलग से लिखा है, इसको मैंने एकदम अलग से लिखा हुआ, ठीक है। तो इतने तरह के वर्ण हमारे पास है। क्या इनके अलावा और कोई वर्ण आप बोल पा रहे हो, कोई और ध्वनि? कोशिश करके देखो प्रदीप, क्या इनके अलावा और कोई साउंड आप बोल पाते हो? तो आप पाओगे कि इनके अलावा और कोई साउंड आप नहीं बोल पाते, इतने ही साउंड जो है हम बोल सकते हैं। ये सारे मैंने लिख दिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा साउंड आप नहीं बोल सकते, ठीक है ना। ये सारे के सारे साउंड है और यही इनका सीक्वेंस है, क्रम भी यही है ना। ये सारे के साउंड है। आप इमेजिन करो कि आप इसके अलावा और कोई साउंड बोल सकते हो? आप जो भी बोलोगे इनमें से ही कोई एक होगा, कोशिश करके देख लो, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और यही सीक्वेंस है, ठीक है। अब ये जो ऊपर लाल रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, 11 है ये संख्या में,
ये 11 जो है इनको हम एक खास तरह की कैटेगरी में डाल देते हैं, इनकी अलग से एक श्रेणी बना दी, इनकी अलग से एक श्रेणी बना दी, ये है वर्ण ही, ये 11 वर्णों की अलग से एक श्रेणी बना दी और इनको नाम दे दिया क्या, स्वर। क्या नाम दे दिया, स्वर। उसके बाद ये जो दो आपको दिख रहे हैं इन दो की एक अलग श्रेणी बना दी और इनको नाम दे दिया अयोगवाह। अभी मैं बताऊंगा कि क्या होते हैं। और बाकी जितने भी बच गए, बाकी जितने भी बच गए इनकी सबकी एक अलग श्रेणी बना दी और इनको नाम दे दिया क्या, व्यंजन। क्या नाम दे दिया, व्यंजन। ठीक है, तो हमारे पास 11 जो है वो क्या हो गए, हमारे स्वर हो गए, दो क्या हो गए, अयोगवा हो गए, और ये जितने बच गए ये सब क्या है, हमारे व्यंजन है। तो ये 25 है, पचम 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ठीक है, तो ये मूल 33 ही है बेसिकली, और ये तो संयुक्त है, अभी अपन पढ़ेंगे। बाकी जो ये बच गए हैं ये अलग कैटेगरी में है ये व्यंजन ही, पर ये चार जो है ये संयुक्त व्यंजन है, दो दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, और ये दो जो है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं दोनों को, ठीक है ना। तो ये अलग से व्यंजन नहीं है बेसिकली, ये संयुक्त व्यंजन है, दो दो से मिलके बने हैं। ये जो क्ष है ये वाला क और ये वाला श, इनसे मिलके बना है। ये जो त है ये यहां पर, ये जो त है और ये र, इन दोनों से मिलकर बना है। ये जो ज्ञ है ये ज और इय से मिलकर बना है, ऐसा है। तो ये जो चार आपको दिखाई दे रहे हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये दरअसल अलग से व्यंजन नहीं है, ये जो ऊपर 33 व्यंजन है इन्हीं में से किन्हीं दो से मिलकर के बने हैं। ठीक है, क और श से मिलकर के छ बनता है, उसके बाद ये त और र से मिलकर के त्र बन जाता है, ज और य से मिलकर के ज्ञ बन जाता है, और ये वाला श जो है आपका, ये श और र से मिलकर के श्र बन जाता है। ठीक है, वह अभी अपन बाद में देखेंगे, उसका आप लोड मत लो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, तो ये इतने हमारे पास वर्ण है। ठीक है, 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 33 व्यंजन, और बाकी 4 संयुक्त व्यंजन, और ये जो दो है ये उच्छिप्त व्यंजन है। ये भी व्यंजन ही, पर ये मूल नहीं है, दो दो से मिलके बने हैं, ये दो दो से मिलकर बने हैं, और ये भी दो दो से मिलके बने हैं, इसलिए हम इनको अलग से मूल रूप में नहीं मानते, ये मानते कि भाई दो दो से मिलके बने, पर है व्यंजन ही, ये भी है तो व्यंजन ही। तो तीन तरह के वर्ण हमारे पास हो गए, कौन कौन से, स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। इसका मतलब यह है, इसको इस तरह समझो कि जितनी भी तरह के साउंड हम बोल पा रहे हैं, जितनी भी तरह की ध्वनियां हम बोल पा रहे हैं, हमने सबकी लिस्ट बना ली और उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, जितने भी तरह के साउंड हम बोल पा रहे हैं उनकी हमने लिस्ट बना ली और उसको तीन भागों में बांट लिया। जितने भी साउंड हम बोल पा रहे थे उनमें से हमने कुछ को क्या कहा, स्वर, 11 को क्या बोल दिया हमने, स्वर बोल दिया, कुछ को क्या बोल दिया, अयोगवाह, कितने हैं, दो, दो को क्या बोल दिया, अयोगवाह, और बाकी जो बच गए उन सबको हमने क्या बोल दिया, व्यंजन बोल दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो, समझने की बात यह है कि जब हमने इनको बांटा है तो किसी न किसी कारण से ही बांटा होगा। ये जो 11 स्वर है इनमें कुछ ऐसी बात होगी जो इन 11 में तो होगी लेकिन बाकी में से किसी में नहीं होगी। भाई ये जो 11 है इनको अगर हमने एक कैटेगरी में डाला, इसका मतलब है कि ये 11 में कुछ ऐसी बात होगी जो इन 11 में तो होगी लेकिन ना तो इन दो में होगी और ना इन 33 व्यंजनों में होगी। ये जो दो अयोगवाह है इनमें कुछ ऐसी बात होगी जो इन दो में तो होगी लेकिन ना तो इन 11 में होगी ना बाकी व्यंजनों में होगी। और ये जो व्यंजन है इनमें कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो इन सारे व्यंजनों में तो होगी लेकिन इन 11 स्वरों में भी नहीं होगी और दो अयोगवाह में भी नहीं होगी। क्लियर है, इसी आधार पे हम श्रेणीकरण करते हैं। अगर मैं बैच बना रहा हूं, मैंने एक बैच बना दिया व्यापम का, एक बैच बना दिया एसएससी का, एक बैच बना दिया एमपीपीएससी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है, तो मैंने व्यापम वाले बच्चों को अलग कर दिया क्योंकि वो सब व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए उनको अलग किया है क्योंकि उनमें कॉमन क्या है, वो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी वालों को अलग कर दिया क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। पीएससी वालों को अलग कर दिया क्योंकि वो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ कॉमनैलिटी होती है तभी हम उसको अलग श्रेणी बनाते हैं और बाकियों से वो अलग हुआ तभी उसको अलग डालेंगे, है ना।
श्रेणीकरण का मतलब ही होता है क्लासिफिकेशन का, कि एक क्लास में जितने भी मेंबर्स है उन सब में कुछ कॉमन होना चाहिए और जो बाकियों से अलग होना चाहिए, ठीक है ना। यही चीज यहां पर भी है, ये जो 11 है इनमें आपस में कुछ कॉमन है जो बाकियों में नहीं है, इन दो में कुछ कॉमन है जो बाकियों में नहीं है, और इन व्यंजनों में कुछ कॉमन है जो बाकियों में नहीं है, ठीक है। इसी के आधार पर इनको बांटा गया है। अब वो कॉमन फैक्टर क्या है, अब क्या है वो कॉमन फैक्टर क्या है, तो हम देखते हैं कि ये जो 11 स्वर हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो अभी तक बेसिक चीज हमने ये सोची समझी कि वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियां क्या होती है और वर्णमाला क्या होती है। अब हम आते हैं स्वरों पर, स्वर क्या होते हैं, जो हमारे वर्ण हैं उनमें से हमने 11 को अलग करके स्वर क्यों बनाया। देखिए ये जो जिस आधार पे इनको अलग किया गया है ना, वो आधार है उच्चारण। क्या आधार है? उच्चारण। उच्चारण का मतलब होता है बेटा बोलने का तरीका। ये जो आधार है, ये आधार क्या है बेसिकली? उच्चारण, उच्चारण। इसी आधार पे हमने इनको बांटा है। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका, बोलने का तरीका, दैट इज उच्चारण। इसका मतलब यह है कि इन 11 के उच्चारण में कोई खास बात है जो इन 11 के उच्चारण में तो है बाकियों के उच्चारण में नहीं है, इन दो के उच्चारण में कुछ खास बात है जो इन दोनों के उच्चारण में तो है बाकियों के उच्चारण में नहीं है, और इन व्यंजनों के उच्चारण में कोई खास बात है जो इनमें तो है लेकिन बाकियों के उच्चारण में नहीं है, वो क्या खास बात है। देखो स्वर की अगर हम बात करें तो जो ध्वनियां हम स्वर के रूप में कैटेगराइज कर रहे हैं उसमें कुछ क्वालिटी होती है अलग, वो क्या होती है? उच्चारण में। स्वर जो होते हैं वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होने का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि इनके उच्चारण के लिए, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती। मैं समझाता हूं अभी आपको, किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता या जरूरत नहीं पड़ती। अर्थात ये अपने उच्चारण के लिए, मतलब बोलने के लिए, इनको बोलने के लिए किसी अन्य ध्वनि पर निर्भर नहीं है। मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, अगर कोई बंदा बोले कि भाई ये तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब है उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने लिए या अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब ही है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, उसको किसी बंदे की जरूरत नहीं है, वो अपना काम खुद चला सकता है, तो बोलेंगे स्वतंत्र। बोलते ना भाई ये तो, मैं तो स्वतंत्र हूं भैया, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूं, ठीक है। तो स्वर भी क्या है हमारे? स्वतंत्र होते हैं। किस दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। इसका मतलब है, उच्चारण मतलब बोलना, उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। इसका मतलब है कि इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी दूसरे स्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आप देखो ये 11 स्वर है, इनमें से आप किसी को भी बोलो आपको कोई दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ेगी। अ अ है अपने आप में, आ आ है अपने आप में, ई ई है अपने आप में, ऊ है अपने आप में, और बाकी भी आपको किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं है इनको बोलने के लिए। लेकिन अगर आप बाकियों को देखो तो इनको बोलने के लिए आपको दूसरी ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। आपको अंतर ऐसे समझ में आएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आप जब भी क बोलोगे, क बोलोगे पीछे अ निकलेगा, बिना अ बोले आप क का उच्चारण नहीं कर सकते। आप खुद बोल के देखो, क क क क बोल रहे हो तो पीछे क्या आ रहा है? अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कुछ भी बोलो, इसमें से बोलो ज, ज बोलोगे तो पीछे क्या आएगा? ज अ, पीछे अ आएगा ही आएगा। अम अगर आप बोल रहे हो तो अम में अ और म दो ध्वनियां हैं, अम। आप म बोले बिना अ बोल अम बोल सकते हो क्या? अम, अम म आएगा ही आएगा। इसी तरह अह बोलोगे तो ह आएगा, अह अह, बिना ह बोले आप अह नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि जितनी भी नीचे लिखी हुई ध्वनियां हैं
आप य बोलोगे तो पीछे अ आएगा, य है कि नहीं। तो ये जितनी भी ध्वनियां हैं नीचे, इनको बोलने के लिए आपको किसी दूसरी ध्वनि पर निर्भर रहना पड़ेगा, किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत पड़ेगी। आप बिना अ बोले इनमें से कुछ नहीं बोल सकते। ग बोलोगे फिर भी पीछे अ आएगा, ड बोलोगे फिर भी पीछे अ आएगा, द बोलोगे फिर भी पीछे अ आएगा, है ना। इसी तरह अम और अह में भी आएंगे, म और ह। लेकिन ये जो ऊपर 11 मैंने लिखे हैं, इनको अगर आप बोलते हो तो आपको किसी दूसरे साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने के लिए, आपको किसी दूसरे साउंड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। जैसे जो हमारा अ है वो अ है, आ है वो आ है, ई है वो ई है। आप ई बोलोगे तो कोई दूसरा साउंड आ रहा है क्या ई के साथ? नहीं आ रहा। उ के साथ कोई दूसरा साउंड आ रहा है? उ कुछ भी नहीं आ रहा। आप ओ बोलो कोई दूसरा साउंड आ रहा है क्या? नहीं आएगा। ई के साथ आएगा? नहीं आएगा। अ के साथ आएगा? नहीं आएगा। अपने आप में स्वतंत्र है, इनको बोलने के लिए कोई दूसरा साउंड नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और बाकी जितने भी है उनको बोलने के लिए दूसरे साउंड पे निर्भर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते। बिना अ बोले आप इनमें से कुछ भी नहीं बोल सकते, बिना माँ और ह बोले आप आम और हा नहीं बोल सकते, इसलिए आप डिपेंड हो। आपको अगर इनको बोलना है तो अ बोलना ही पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो स्वर को हमने क्यों अलग कैटेगरी बनाया है? क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी दूसरी ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती, यानी किसी दूसरी ध्वनि पर ही अपने उच्चारण के लिए निर्भर नहीं है, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया? स्वर बोल दिया। ठीक है। अब क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से यह स्वतंत्र है, इसलिए लेखन की दृष्टि से भी ये पूर्ण है। बहुत ध्यान से समझना, लेखन की दृष्टि से भी पूर्ण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि पहले भाषा का, मैंने आपको बताया कि पहले भाषा का कौन सा रूप आया? मौखिक रूप आया। मौखिक रूप के बाद क्या आया भाषा का? लिखित रूप आया। हमने, मनुष्य ने पहले बोलना सीखा और जैसे बोलता था उसी आधार पर उसने क्या बना लिया? चिन्ह बनाए लिखने के। ठीक है। मनुष्य ने पहले क्या सीखा? बोलना सीखा, और वो जैसे बोलता था उसी आधार पर उसने क्या बना लिए? चिन्ह बना लिए। इसका मतलब आप समझो, क्योंकि हमारे जो स्वर है इनको बोलने के लिए किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं है, इसीलिए लिखने के लिए भी हम कोई दूसरी ध्वनि इसके साथ जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। अगर मैं अ बोल रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा उसके लिए? केवल अ लिख दूंगा। ये अपने आप में पूरा है, इसमें कोई दूसरी ध्वनि शामिल नहीं है। अगर मैं आ बोल रहा हूं तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा? आ। ये अपने आप में पूरा है, इसमें कोई दूसरी ध्वनि शामिल नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूं ई तो ये अपने आप में पूरा है, इसमें कोई दूसरी ध्वनि शामिल नहीं है। ठीक है। तो लिखने के लिए भी ये पूरे हैं। इनमें से आप किसी को भी आधा नहीं कर सकते। कभी आपने अ आधा सुना है क्या कि ऐसा अ आधा लिख दिया? ये होता ही नहीं। कभी आपने ई आधा सुना है कि बस ऐसा लिख के छोड़ दिया? नहीं होगा। जबकि व्यंजन हमारे आधे हो जाते हैं, जैसे क आधा आपने देखा होगा, क ऐसे लिख देते हैं, प आधा ऐसे लिख देते हैं, है ना, य आधा ऐसे लिख देते हैं, ल आधा ऐसे लिख देते हैं, व्यंजन हमारे आधे हो जाते हैं। लेकिन स्वर को कभी आधा देखा है क्या कि उ को इतना लिख दिया आधा उ हो गया, कभी ए को बस इतना लिख दिया आधा ए हो गया? नहीं सुना होगा। होते ही नहीं है स्वर आधे। और क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके उच्चारण में कोई दूसरा ध्वनि शामिल नहीं है। आप अ बोल रहे हो तो पूरा आ है, आ बोल रहे हो तो पूरा आ है, ई बोल रहे हो तो पूरा ई है। जबकि व्यंजन में क्या होता है, उसके उच्चारण में दूसरी ध्वनि शामिल होती है। जब मैं क बोल रहा हूं ना तो ये दरअसल क नहीं है, ये क प्लस अ है। क, क पहले क बाद में अ, ये क दरअसल क प्लस अ है, इसमें अ शामिल है। अगर मैं का बोल रहा हूं तो ये का दरअसल क्या है? क प्लस आ है। क्योंकि आप बोल रहे हो का, का पहले क आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है? आ। का पहले क बाद में आ। अगर मैं की बोल रहा हूं तो ये दरअसल की क्या है? क प्लस बड़ी ई है। की, की पहले क आ रहा है बाद में ई आ रहा है। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं ना, वो व्यंजन क्योंकि बोलने के लिए उसको दो साउंड चाहिए, इसलिए जब वो लिखे जाते हैं उसमें भी दो साउंड शामिल होते हैं। अगर मैं क बोल रहा हूं
तो इसको बोलने के लिए मेरे को दो साउंड चाहिए, क और अ, इसका मतलब है इसको लिखने के लिए भी क्या चाहिए, दो साउंड, क और अ। अगर मैं की लिख रहा हूं तो इसको बोलने के लिए मेरे को कितने साउंड चाहिए, दो साउंड, क और ई, इसलिए इसको लिखने के लिए भी दो साउंड लगेंगे, क और बड़ी, इसीलिए इसमें मात्रा लगी है बड़ी। अगर मैं का बोल रहा हूं तो इसमें भी दो साउंड है, क और आ, इसीलिए इसको लिखेंगे भी तो इसमें दो साउंड शामिल होते हैं। जबकि हमारे जो स्वर होते हैं वो लेखन की दृष्टि से पूर्ण होते हैं। क्यों पूर्ण होते हैं? क्योंकि उनको बोलने के लिए दूसरा नहीं चाहिए, तो लिखने के लिए दूसरा क्यों लगेगा? आ मैं बोल रहा हूं, इसमें कोई दूसरा शामिल है ही नहीं, इसलिए लिखने में भी आ पूरा है। आ मैं बोल रहा हूं तो इसमें कोई दूसरा स्वर शामिल है ही नहीं, तो लेखन की दृष्टि से ये पूर्ण होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वर होते हैं वो बोलने में भी अकेले अकेले हैं और लिखने में भी अकेले अकेले हैं। बोलने के लिए भी दूसरा स्वर शामिल नहीं है और जब लिख रहे हैं उसमें भी दूसरा स्वर शामिल नहीं है, जाहिर सी बात, इसीलिए ये कभी आधे नहीं होते, ये हमेशा पूरे रहते हैं। समझ आ गई यहां तक बात? इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, अलग से एक कैटेगरी में डाल दिया, स्वर, ठीक है। तो लेखन की दृष्टि से भी ये पूर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि स्वर कभी आधे नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई दूसरी ध्वनि शामिल है ही नहीं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े प्रदीप, आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं व्यंजन पे, अयोग वहां बाद में देखेंगे। अब हम काय पे आते हैं, अगली कैटेगरी व्यंजन पे। जैसे मैंने आपको स्वर बताया, इससे एकदम उलट होता है व्यंजन, ठीक है। इससे एकदम उलट क्या होता है? व्यंजन। मैंने आपको स्वर में क्या बताया, उच्चारण की दृष्टि से क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो व्यंजन क्या हो जाएगा? व्यंजन जो है वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते। वो उच्चारण की दृष्टि से क्या है? स्वतंत्र नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इनका उच्चारण, उच्चारण मतलब बोलने के लिए, इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य ध्वनियों की जरूरत पड़ती है, और वो अन्य ध्वनियां दरअसल क्या होती हैं? स्वर होते हैं। अन्य ध्वनियों यानी स्वरों की जरूरत पड़ती है, स्वर की जरूरत पड़ती है बोलने के लिए। इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य ध्वनियों यानी कि स्वरों की जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, आप बोल नहीं सकते बिना स्वर के व्यंजन। बिना स्वर को सहायता लिए, मतलब बिना स्वर की सहायता लिए, बिना स्वर की सहायता लिए आप व्यंजन को बोल नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। आपको अगर व्यंजन बोलना है तो स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों पर निर्भरता होती है, अर्थात अपने उच्चारण के लिए ये स्वरों पर निर्भर रहते हैं। काय पे निर्भर रहते हैं? स्वरों पर निर्भर रहते हैं, उनके बिना इनका काम नहीं चलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वही कोई भी आप उठा लो, इनमें क कोई उठा लेते हैं, अब जैसे ये क है, ठीक है। अब अगर आप क बोल रहे हो तो आपको क और अ दोनों बोलना पड़ेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं आ का सहारा लूंगा ही नहीं, का बोल दूंगा। अगर आप का बोलोगे तब भी क के साथ क्या बोलना पड़ेगा? आ बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं आ भी नहीं बोलूंगा, मैं तो पी बोल लूंगा, पी। तो ये पी जो है इसमें भी प और छोटा ई है, पी, पीछे आप ई बोल ही रहे हो, पी, ई तो बोल ही रहे हो ना। आप बोल रहे हो कि मैं बोलूंगा कु, कु, तो इसमें भी आप पीछे ऊ बोल रहे हो, कु, ऊ तो बोल ही रहे हो, तो इसमें भी क प्लस ऊ शामिल है। इसका मतलब यह है कि आप बिना स्वर की मदद के व्यंजन को बोल नहीं सकते। आप कोई भी रूप बोलो, पीछे कोई ना कोई स्वर आएगा ही, चाहे अ आए, चाहे आए, चाहे छोटी ई आए, चाहे छोटा ऊ आए, चाहे बड़ी ई आए, चाहे बड़ा ऊ आए, चाहे ए ओ कुछ भी आए। को बोलोगे तो ओ आएगा पीछे, के बोलोगे तो ए आएगा पीछे, क बोलोगे तो अ आएगा पीछे। इसका मतलब है कि बिना स्वर की सहायता के हम किसी भी व्यंजन को बोल नहीं सकते, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये अपने उच्चारण के लिए स्वरों पर निर्भर है, और इसीलिए ये लेखन की दृष्टि से भी अपूर्ण होते हैं, अपने आप में पूरे नहीं होते, क्योंकि ये उच्चारण की दृष्टि से
स्वतंत्र नहीं है, अधूरे हैं, इसीलिए लेखन की दृष्टि से भी ये कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि मनुष्य ने पहले क्या करना सीखा, बोलना सीखा, और जैसे वो बोलता था उसी आधार पे उसने लिखना बनाया, मतलब लेखन शैली बनाई, जैसा वो बोलता था उसी के आधार पर उसने लेखन शैली बनाई है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं क बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि दरअसल क नहीं है, क प्लस अ है। अगर मैं का बोल रहा हूं तो ये का नहीं है, दरअसल क प्लस आ है। आई ना समझ में? ऐसा तो वो जैसा बोलता था वैसे ही उसने क्या बना लिया, चिन्ह बना लिया, है ना। तो इसका मतलब है कि जो व्यंजन होते हैं ना बेटा, व्यंजन जो है वो लेखन की दृष्टि से पूर्ण नहीं होते, अपने आप में पूर्ण नहीं होते, लेखन की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण नहीं होते। क्यों नहीं पूर्ण होते? क्योंकि बोलने में ही पूरे नहीं है। पूरे कब होंगे? जब उनके साथ स्वर जुड़ेगा, जब उनके साथ स्वर जुड़ता है तब वो पूरे होते हैं, क्योंकि हम तभी उनको पूरी तरह बोल पाते हैं, और जैसा बोलते हैं वैसे ही हम लिखने में यूज करते हैं। जब उनके साथ कोई स्वर जुड़ता है तब वे पूर्ण रूप में आते हैं। तब वे किस रूप में आते हैं? पूर्ण रूप में आते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यंजन अपने मूल रूप में अपूर्ण होता है। व्यंजन जो है अपने मूल रूप में कैसा होता है? अपूर्ण होता है, अधूरा होता है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? नीचे हलंत लगा करके। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं? नीचे हलंत लगा देते हैं, ऐसे। जैसे मेरे को अगर आधा क लिखना है मूल रूप में तो नीचे हलंत लगा दिया। ये क्या है? क अपने आधे रूप में, मतलब मूल रूप में है, अधूरा है, अपूर्ण है। अब इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, मूल रूप में अपूर्ण होता है। और इसको लिखते कैसे? नीचे हलंत लगा करके। अगर नीचे हलंत लगा है इसका मतलब है कि अभी इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, यह अधूरा है, स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, अभी ये कैसा है? अधूरा है, अगर नीचे हलंत लगाए तो। व्यंजन पूरा कब होगा? जब इसके साथ स्वर जुड़ जाएगा। तो पूर्ण रूप में कब आएगा कोई व्यंजन? व्यंजन पूर्ण रूप में कब आएगा? जब उस अधूरे व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? पूर्ण रूप में आ जाएगा, और फिर उसके नीचे से हलंत हट जाएगा, फिर उसके नीचे से हलंत हट जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगा है इसका मतलब है कि वो अपने मूल रूप में है, अधूरा है, अपूर्ण है, मतलब उसके साथ अभी कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। जब उसके नीचे से हलंत हट जाता है इसका मतलब है कि वो अपने पूर्ण रूप में आ गया है, मतलब उसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ चुका है, ठीक है। अपूर्ण रूप में जो व्यंजन होता है उसको बोलना संभव नहीं है। लिख तो हम लेते हैं, लिखना हमारे हाथ में है, लेकिन बोलना हमारे हाथ में, हमारे बस में नहीं है। अपूर्ण रूप में व्यंजन को बोल नहीं सकते आप, उसका उच्चारण नहीं कर सकते। अपूर्ण रूप में व्यंजन को बोलना, उसका उच्चारण करना संभव नहीं है। व्यंजन का उच्चारण नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। आप लिख तो सकते हो, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख दिया आप नीचे हलंत लगा, ऐसे लिख दिया नीचे हलंत लगा, पर इसको पढ़ नहीं सकते ना आप। इसको कैसे पढ़ोगे? बोलोगे तो अ आ ही जाएगा ना। इसको आप मतलब बोल नहीं सकते इसको, क्योंकि आप क कैसे भी बोलो अ आ ही जाएगा। इसको बोलना संभव नहीं है मूल रूप में, ठीक है ना। इसको बोलना संभव नहीं है, अधूरा है अभी, ठीक है ना। इसका उच्चारण संभव नहीं है। पूरा कब होगा ये? जब इसके पीछे कोई भी आप स्वर जोड़ दो, ई जोड़ दो, आ जोड़ दो, कोई भी स्वर जोड़ दो तो ये पूरा हो जाएगा। जैसे क के साथ मैंने आ जोड़ दिया तो ये का हो जाएगा, क के साथ अगर अ जोड़ दिया तो ये क हो जाएगा, ऐसे, तो ये पूरा हो जाएगा। फिर इसके नीचे हमको हलंत नहीं लगाना है। हलंत का मतलब है कि ये अधूरा है, ठीक है ना। हलंत का मतलब क्या है? कि ये अधूरा है, क्लियर है। तो व्यंजन अपने मूल रूप में हमेशा कैसा होता है? अपूर्ण होता है, यानी उसको बोलना संभव नहीं होता। अपूर्ण है मतलब उसको बोलना संभव नहीं है वो। और इसको बताते कैसे? नीचे हलंत लगा के। हलंत लगा के मतलब अभी आधा है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर पूर्ण कब होता है? जब उसके साथ कोई ना कोई स्वर हो जाए, मतलब जुड़ जाए। अब इसको लिखना भी संभव है और बोलना भी संभव है।
इसको अब बोला जा सकता है। लिखा तो खैर हम पहले भी लिख ही रहे थे अधूरे को, लेकिन जब किसके साथ स्वर जुड़ जाता है तब ये पूरा हो जाता है, तब इसे बोलना भी संभव है और लिखना तो खैर संभव है ही, वो तो हमारे हाथ में है, तो हमने इसको पूरा बना दिया। और जब व्यंजन पूरा हो जाता है तो उसके नीचे हलंत नहीं लगता, अगर स्वर जुड़ गया है तो फिर हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। और जब भी कोई स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है, जब भी व्यंजन के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वो मात्रा रूप में जुड़ता है। लिखने का एक तरीका है कि हम उसको मात्रा रूप में लिख देते हैं, मतलब ऐसे अलग से नहीं लिखते, बार बार प्लस करके कब तक लिखोगे। अगर मेरे को का लिखना है तो मैं कब तक ऐसे लिखूंगा भाई, क प्लस आ। मुझे आपका नाम अगर प्रदीप लिखना है तो मेरे को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ओ आधा प्लस र प्लस अ प्लस द आधा प्लस बड़ा ई प्लस प आधा प्लस अ पूरा, जान रहे हो। अगर मैं मात्रा ना लगाऊं तो प्रदीप कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, प्रदीप प आधा फिर र पूरा फिर द पूरा फिर प पूरा, द के साथ बड़ा ई, प के साथ अ और र के साथ बी और प आधा, ऐसे लिखना पड़ेगा अगर मात्रा नहीं है। तो ये लिखने का तरीका बहुत आसान है या जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए हमारे भाषाविदों ने क्या किया, लिखने का तरीका ये अपनाया कि अगर कोई व्यंजन पूरा है, मतलब उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, अगर पूरा है उसमें स्वर जुड़ा हुआ है तो हम स्वर अलग से नहीं लिखेंगे, उसमें मात्रा लगा के लिख देंगे, ठीक है। जैसे अगर उसके साथ अ जुड़ा है तो कोई मात्रा मत लगाओ, सिंपल लिख दो। अगर उसके साथ आ जुड़ा है तो उसके साथ क्या लगा दो, ऐसा डंडा लगा दो, तो मान लेंगे कि इसमें आ जुड़ा है। अगर उसके साथ छोटा ई जुड़ा है तो क्या कर दो, ऐसा आगे लगा दो, तो मान लेंगे कि छोटा ई जुड़ा है। अगर उसके साथ बड़ा ई जुड़ा है तो ऐसा पीछे लगा दो, तो मान लेंगे कि बड़ा ई जुड़ा है। इससे क्या होगा, लिखना सरल हो जाएगा। अगर आप ऐसे अलग अलग लिखोगे तो लिखना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे भाषा शास्त्रियों ने क्या माना कि भाई अगर व्यंजन पूर्ण रूप में है, उसके साथ कोई स्वर जुड़ा हुआ है, तो हम स्वर को अलग से ना लिख करके मात्रा रूप में लिख देंगे, ठीक है। इसमें बोला कि भाई अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं है, अगर आपने डायरेक्ट ऐसा लिख दिया इसका मतलब इसमें अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मात्रा नहीं लगी मतलब कौन सा स्वर जुड़ा है, अ जुड़ा है। अगर कोई मात्रा नहीं लगी मतलब कौन सा स्वर जुड़ा है, अ जुड़ा है, और बाकी फिर मात्रा। तो ये छोटा ई हो गया ऐसी, ये बड़ा ई हो गया, ये छोटा ऊ हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ये छोटा ए हो गया, ये बड़ा ए हो गया, ऐसी मात्रा जोड़ दी, ठीक है। तो ये मात्राएं मैं आपको यहाँ पे लिख के थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आपको आगे देखो इसके बिना संधि आपको नहीं बनेगी, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी संधि बनेगी। अभी आपको समझ में आएगा, जब अपन संधि पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके बिना संधि समझना संभव नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर व्यंजन अपने मूल रूप में है, नीचे हलंत, इसके साथ अगर अ जुड़ा हुआ है तो ये पूर्ण रूप में आ गया क, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर व्यंजन अपने मूल रूप में है आधा और उसके साथ आ जुड़ गया तो फिर इसमें एक मात्रा आ के लग जाएगी। एक और बात सुनना कि अगर नीचे हलंत है मतलब मूल रूप में है, आधा पूरा कब होगा जो उसके साथ स्वर जुड़ जाएगा, ठीक है, फिर हलंत नहीं आएगा, उसके बाद हलंत हट जाएगा। अगर आपने कोई मात्रा नहीं लगाई और हलंत हटा दिया, इसका मतलब है कि क के साथ अ जुड़ा हुआ है। अगर आपने कोई मात्रा नहीं लगाई और हलंत भी हटा दिया, मतलब व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ, ठीक है, बाकी की मात्राएं आएगी। क के साथ छोटा ई जुड़ेगा तो ऐसे मात्रा आ जाएगी, क के साथ बड़ा ई जुड़ेगा तो ऐसी मात्रा, क के साथ छोटा ऊ जुड़ेगा तो ऐसी मात्रा आ जाएगी, क के साथ बड़ा ऊ जुड़ेगा तो ऐसी मात्रा आ जाएगी, क के साथ ऋषि, ऋषि भी एक स्वर है। देखो ऋषि जब जुड़ता है ना तो नीचे ऐसी मात्रा लगती है, इसका मतलब है कि क आधा प्लस री ऋषि का, ये ऋषि की मात्रा है। जैसे बाकी स्वरों की मात्राएं होती है ना, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, आ की, ऐसे ये ऋषि की मात्रा है। इसका मतलब है कि हमारा व्यंजन आधा और उसके साथ क्या, कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ऋषि जुड़ा हुआ है, ये ऋषि की मात्रा है। नीचे अगर मैं पृथ्वी लिख रहा हूं तो ये जो पृथ्वी में प्र आता है ये दरअसल क्या है, प के साथ कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, री ऋषि का जुड़ा हुआ। अगर आप कृपा लिख रहे हो कृपा, तो ये कृपा में दरअसल क्या है, क के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हमारा ऋषि जुड़ा हुआ है।
क के साथ क्या जुड़ा है, ऋषि जुड़ा है, और प के साथ आ जुड़ा हुआ है। क के साथ ऋषि जुड़ा है और प के साथ आ जुड़ा है, ग्यारह में से कोई भी स्वर जुड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा होता है। और क्या है, क के साथ छोटा ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, के। क के साथ बड़ा ए जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कई। क के साथ छोटा ओ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कौ, को, सॉरी को। और क के साथ बड़ा ओ जुड़ेगा तो कौ। या आप कोई भी ले लेना व्यंजन, मैंने क ले लिया है, आप व्यंजन इनमें से कोई सा भी उठा सकते हो। मैं क का उदाहरण ले रहा हूं, आप इनमें से कोई सा भी व्यंजन उठा सकते हो, सब में यही नियम लागू होगा, ठीक है। अब मैं मात्रा के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, मैं यहीं पर इसको बता रहा हूं। क की कोई मात्रा नहीं होती, का की ऐसी होती है, छोटा ई की ऐसी होती है, बड़ा ई की ऐसी होती है, छोटा ऊ की ऐसी होती है, बड़ा ऊ की ऐसी होती है, इसकी ऐसी होती है ऋषि की, है ना, छोटे ए की ऐसी, बड़े ए की ऐसी, छोटे ओ की ऐसी और बड़े ओ की ऐसी डबल, ठीक है, ये मात्रा। इसका मतलब यह है कि जब भी व्यंजन को पूर्ण रूप में लिखा जाएगा उसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ेगा, ठीक है। मूल रूप में व्यंजन अधूरा होता है, वो पूरा कब होता है, जब उसके साथ कोई स्वर जुड़े। और स्वर को हम बोल तो लेते हैं, लिखने का तरीका क्या है, स्वर को अलग से ना लिख करके व्यंजन में मात्रा के साथ लिखते हैं, मात्रा के रूप में लिखते हैं बेसिकली। स्वर को जब व्यंजन के साथ लिखा जाता है तो अलग से स्वर का चिन्ह ना बना करके मात्रा के रूप में लिखा जाता है, ताकि लिखना आसान हो जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। व्यंजन अपने मूल रूप में कैसा होता है, आधा अपूर्ण, इसको बोलना संभव नहीं है। लिख तो सकते हैं हम, नीचे हलंत लगा के लिख दिया, इसका मतलब अभी इसमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन इसको बोलना संभव नहीं है। बोलना कब संभव होगा, जब इसके साथ कोई स्वर जुड़ जाएगा, तो ये किस रूप में आ जाएगा, पूर्ण रूप में आ जाएगा। अब इसको बोलना भी संभव है और लिखना भी संभव है, अपूर्ण को केवल लिखना संभव है, बोल नहीं सकते हम, इसीलिए नीचे हलंत है। जब इसके साथ स्वर आ जाएगा तो ये पूर्ण बन जाएगा, इसको बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अपूर्ण रूप में लिखते हैं मतलब नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत, अगर अलग से लिख रहे हैं तो। वाक्य में आधा लिख देते हैं, अगर शब्द में, शब्द में आधा लिख देते हैं, जैसे अगर अलग से मैं लिख रहा हूं तो नीचे ऐसे लिखूंगा, लेकिन अगर शब्द में लिखूंगा तो आधा लिख दूंगा, जैसे परिपक्व, ये आधा लिख दे परिपक्व, ये जो आधा क है इसका मतलब है कि ये यही वाला है, इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे प आधा ऐसे लिखूंगा अलग से, वाक्य में कैसे लिखूंगा, प्याज, ये प आधा है, इसमें अभी कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं, बाकी दो में स्वर है, इसमें आ है, इसमें अ है, इसमें भी अ है, इसमें भी अ है, इसमें छोटा ई है, इसमें अ है, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये हो गया हमारा व्यंजन। और अब हम अंत में, अब देखो इसीलिए हमने इनको अलग कर दिया, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनको हमने क्यों अलग कर दिया। ये 11 को हमने अलग क्यों किया, ये 11 साउंड्स को हमने अलग क्यों किया, क्योंकि इनको बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको अलग कर दिया। ये जो जितने भी आपको व्यंजन दिख रहे हैं इनको अलग क्यों कर दिया, क्योंकि इनको बोलने के लिए इन 11 में से किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको अलग कर दिया, ठीक है, इसीलिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सीक्वेंस ऐसे क्यों बना है, हमने रेंडमली किसी भी साउंड को कहीं भी क्यों नहीं रख दिया। जैसे मैंने आपको माला का उदाहरण बताया था ना, तो आपको बात समझ में आ रही होगी, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई माला जब हम बनाते हैं तो सीक्वेंस तय करते हैं ना किसी आधार पे, इसी आधार पे हमने यहाँ पे सीक्वेंस तय किया। हालांकि वहां पर तो हमने सुंदर के हिसाब से किया था, यहाँ पर हमारा आधार क्या है, उच्चारण है, उच्चारण का तरीका, बोलने का तरीका, हमारा आधार क्या है बेसिकली, उच्चारण का तरीका या बोलने का तरीका, उसके आधार पे हमने तय किया हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अयोगवाह पे, जो तीसरी कैटेगरी है, अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि, अयोगवाह में कौन कौन से हैं, अम और अह, अम और अह,
ठीक है, इनको अलग क्यों कर दिया? बेसिकली ये अयोवा जो है ये दरअसल स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति है, स्वरों एवं व्यंजनों के बीच की स्थिति है। ना तो स्वर में फिट बैठते हैं ना व्यंजन में फिट बैठते हैं, दोनों में फिट नहीं होते, इनके अलग ही कैटेगरी है, स्वरों एवं व्यंजनों के बीच की स्थिति। मतलब ना तो ये पूरी तरह स्वर है, ना तो पूरी तरह स्वर की तरह बिहेव करते हैं, ना पूरी तरह व्यंजन की तरह, ना तो पूर्णतः स्वर की तरह बिहेव करते हैं और ना पूर्णतः व्यंजन की तरह, ना तो पूरी तरह स्वर की तरह बिहेव करते हैं ना पूरी तरह व्यंजन की तरह। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये जो है दोनों स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति है, इनकी उच्चारण की, बेसिकली इनकी जो उच्चारण स्थिति है, इनकी जो उच्चारण स्थिति है वो स्वरों और व्यंजनों के बीच की है, स्वरों और व्यंजनों के बीच की है। इसका मतलब यह है कि इनका उच्चारण ना तो पूरी तरह स्वर जैसा होता है ना पूरी तरह व्यंजन जैसा होता है, इनका उच्चारण अलग ही है, एकदम अलग है, स्वर से भी अलग है और व्यंजन से भी अलग है। अब जब दोनों से अलग है तो इनको क्या करा, अलग कैटेगरी में डाल दिया। अगर ये स्वर की तरह होते तो स्वर में डाल देते उच्चारण के मामले में, अगर ये उच्चारण के मामले में व्यंजन की तरह होते तो व्यंजन में डाल देते, लेकिन ना तो इनके उच्चारण के मामले में स्वरों जैसे हैं ये, ना उच्चारण के मामले में व्यंजन जैसे हैं। इसलिए क्या किया हमने, एक अलग ही श्रेणी बना दी कि भाई तुम दोनों में नहीं मिल रहे हो, अलग रहो, तुम्हारी अलग क्लास बना दी। ना तो तुम स्वर जैसा बिहेव कर रहे हो ना व्यंजन जैसा, तो तुम्हारी अलग ही क्लास बना देते, ठीक है ना, इसलिए इनकी अलग ही कैटेगरी बना दी। अब क्या है इनके उच्चारण, इनका उच्चारण देखो, इनमें भी उच्चारण में दो दो ध्वनियां तो शामिल है, लेकिन क्या इसमें अंतर है? देखो अम जब आप बोलते हो अम, तो इसमें दो ध्वनियां है, अ और म, ठीक है, अम अम, ठीक है। इसी तरह अगर आप अहा बोलते हो, अहा, तो इसमें भी दो ध्वनियां है, अ और ह, ठीक है। अब देखो अगर किसी भी ध्वनि के उच्चारण में दो ध्वनियां आ जाए तो वो स्वर तो हो ही नहीं सकता। स्वर का मतलब क्या है? केवल एक ही ध्वनि होना चाहिए, अगर दो ध्वनि आ गई तो स्वर नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया कि स्वर का मतलब ही है कि उसके उच्चारण में कोई दूसरी ध्वनि शामिल नहीं होनी चाहिए। यदि उच्चारण में दूसरी ध्वनि शामिल हो गई तो वो स्वर कहलाएगा ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर के उच्चारण में कोई दूसरा साउंड नहीं आना चाहिए, वो अकेला साउंड होना चाहिए। अगर कोई दूसरा साउंड आ गया उच्चारण में तो फिर उसको स्वर नहीं बोला जाएगा। तो हम इनको स्वर बोल सकते हैं क्या दोनों को? नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके उच्चारण में तो दो दो ध्वनियां आ रही हैं, अम में अ और म आ रहा है, अह में अ और ह आ रहा है, तो इनको हम स्वर तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर का मतलब ही है कि उच्चारण में केवल स्वर की ही ध्वनि होनी चाहिए, दूसरी किसी चीज की ध्वनि नहीं, तो ये स्वर नहीं है। फिर व्यंजन है क्या भाई? व्यंजन के उच्चारण में तो दो ध्वनियां आती है। अभी आपने बताया सर कि भाई व्यंजन जब भी हम बोलेंगे तो उसमें दो ध्वनि आएगी, क बोलेंगे तो क प्लस अ आएगा, च बोलेंगे तो च प्लस अ आएगा। तो हाँ भाई, व्यंजन के उच्चारण में तो दो ध्वनियां आती है, क के उच्चारण में क और अ, च के उच्चारण में च और अ, पी के उच्चारण में प और ई, पी के उच्चारण में प और ई। तो व्यंजन के उच्चारण में तो दो दो ध्वनियां आती है, तो क्या हम इन दोनों को व्यंजन बोल सकते हैं? इनके उच्चारण में भी दो ध्वनि आ रही है और व्यंजन के उच्चारण में भी दो ध्वनि आती है, तो हम इनको व्यंजन क्यों नहीं बोलते? व्यंजन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि व्यंजन का नियम यह है कि पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होता है और बाद में उससे जुड़े हुए स्वर का उच्चारण। व्यंजन के मामले में अनिवार्य शर्त यह है, कंपल्सरी शर्त यह है कि पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होगा और बाद में उससे जुड़े हुए स्वर का उच्चारण। जब भी आप कोई व्यंजन बोलोगे तो पहले व्यंजन स्वयं आएगा, बाद में स्वर आएगा। क पहले क बाद में अ, पी पहले अ बाद में ई, लू पहले ल बाद में उ, बोलो आप बोल के देखो, चे पहले च बाद में ए, ठीक है, ओ नहीं ओ तो हो गया, ओ तो स्वरी हो गया, कुछ भी लगा लो, खो या खो तो पहले ख बाद में ओ, ठीक है। तो आप जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण करेंगे पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होगा और बाद में यानी पीछे उससे जुड़े हुए स्वर का उच्चारण। यह संभव ही नहीं है कि आप व्यंजन बोलते हुए पहले स्वर बोल दो बाद में व्यंजन बोल दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप बोल के देखो, बोल ही नहीं पाओगे,
ऐसा संभव ही नहीं है कि आप व्यंजन बोलो तो पहले स्वर बोल दो और बाद में व्यंजन, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्यंजन बोलते हुए पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होगा और बाद में उससे जुड़ी हुई स्वर ध्वनि का उच्चारण, ठीक है। इसी आधार पर हम आम और अह को व्यंजन की कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आप देखो कि आम और अह में पहले स्वर का उच्चारण हो रहा है और बाद में व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, उल्टा हो गया व्यंजन से। व्यंजन में पहले व्यंजन बाद में स्वर था, यहाँ पे क्या हो गया, पहले स्वर आ गया और बाद में व्यंजन, पहले स्वर आ गया और बाद में व्यंजन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्यंजन भी नहीं है, स्वर तो ये पहले ही नहीं थे और ये व्यंजन भी नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, इन दोनों को अलग ही कैटेगरी में डाल दिया और दोनों का नाम क्या लिख दिया, अयोगवाह नाम इनको दे दिया, इनको नाम क्या दे दिया हमने, अयोगवाह, ठीक है। क्योंकि ये ना तो इनका उच्चारण स्वरों जैसा होता है ना इनका उच्चारण व्यंजनों जैसा होता है, इनका उच्चारण तीसरे ही तरीके से होता है, इसलिए इनको तीसरी कैटेगरी में डाल दिया और इनको नाम क्या दे दिया, अयोगवाह नाम। क्लियर है। तो यहां पर हमने ये देखा कि हमारे पास जितनी भी ध्वनियां हैं हमारी भाषा में, जितनी तरह की ध्वनियां हम बोल पाते हैं, जितने तरह के साउंड्स हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, उन सारे साउंड्स को हमने उनके बोलने के तरीके के आधार पर, उनके उच्चारण के आधार पर तीन भागों में बांट दिया। ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे साउंड की जरूरत नहीं थी उनको स्वर बोला, ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे साउंड की जरूरत थी और वो साउंड बाद में आता था उनको व्यंजन बोला, और ऐसी ध्वनियां जो दोनों से अलग उच्चारण था, जिनमें पहले स्वर आता था बाद में व्यंजन, उसको अयोगवाह बोल दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास जितनी भी ध्वनियां थी उनको हमने उच्चारण के आधार पर, बोलने के तरीके के आधार पर तीन भागों में बांट लिया, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, ठीक है। स्वर ऐसे ध्वनियां हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है और इसलिए ये लेखन में भी पूर्ण होते हैं, इनको बोलने के लिए भी कोई नहीं चाहिए और लिखने के लिए भी कोई नहीं चाहिए, अपने आप में पूरे हैं, आधे कभी नहीं होंगे। व्यंजन वो है जिनको बोलने के लिए भी दूसरी ध्वनि यानी स्वर चाहिए, इसलिए जब लिखा भी जाएगा तब उसमें स्वर शामिल होगा। मूल रूप में व्यंजन आधे होते हैं, मूल रूप में व्यंजन कैसे होते हैं, आधे, उस रूप में इनको बोला नहीं जा सकता, ये पूरे तब होते हैं जब इनके साथ स्वर जुड़ जाते हैं, तब इन्हें बोला जा सकता है, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर व्यंजन आधा है तो नीचे हलंत लगा करके या आधे रूप में बता देते हैं, इसका मतलब है कि उसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, अभी अपने मूल रूप में है, और जब स्वर जुड़ जाता है तो पूरा हो जाता है। स्वर को लिखने का तरीका, जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हम उसमें स्वर को अलग से नहीं लिखते, बल्कि हर स्वर का हमने एक मात्रा बना दी है और उस मात्रा रूप में लिखते, ताकि वो लिखने में सरल हो जाए, जटिल ना हो। अगर हम बार बार स्वर को अलग से लिखेंगे तो कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने प्रत्येक स्वर की एक मात्रा बना ली, ठीक है। तो इस तरह हमने हमारी ध्वनियों को तीन भागों में बांट लिया। स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या वैसे 33 मानी जाती है, क्योंकि ये जो बाकी नीचे लिखे हुए हैं ये अलग से व्यंजन नहीं है, दो दो व्यंजनों से मिलके बने हैं, अलग से व्यंजन नहीं है ये, 6 व्यंजनों से मिलके बना है ये सब, इसीलिए इनको बोलते संयुक्त। संयुक्त मतलब जुड़े हुए, संयोग से बने हुए, संयोग यानी दो चीजों का जुड़ना। तो ठीक है, अभी अपन इनको बाद में समझेंगे जब व्यंजनों को पढ़ेंगे, इनको बाद में समझेंगे, और अयोगवाह, ठीक है। तो ये तीन कैटेगरीज हमारे पास आ गई है, इसकी हमारी वर्णमाला, ठीक है। अब अगली क्लास में जब हम आएंगे मिलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको इन व्यंजनों के थोड़े से वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा। देखो अभी तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जितने भी साउंड थे हमने उसको कैसे उच्चारण के आधार पे अरेंज कर लिया, पर आप ये भी तो सोचो कि मैंने यहां पर इसका सीक्वेंस कैसे तय किया। अब अगर ये सभी 11 स्वर है तो इनमें ए को क्यों नहीं पहले लिख दी, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसको हमने ओ से क्यों नहीं शुरू किया, अ से क्यों शुरू किया, हमने ऋषि को सबसे पहले क्यों नहीं लिख दिया, इसके पीछे भी लॉजिक। अगर ये सारे ही व्यंजन है तो मैंने जो क से क्यों शुरू किया, म से क्यों नहीं शुरू कर दिया, या ठ से क्यों नहीं शुरू कर दिया, ये क जो है इसको सबसे लास्ट में क्यों नहीं रख दिया, इसके पीछे भी एक कारण है, इस सबके पीछे उच्चारण है, उच्चारण के आधार पर इनका प्लेस जो है वो तय किया हुआ है, ठीक है। तो वर्णमाला में हमने आज जो है वर्ण, कितने तरह के वर्ण है, ठीक है, और वर्ण क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम
आप इसको ये समझिए कि अब हम जब अगली क्लास में मिलेंगे तो इसको और आगे देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, एक घंटे में जो है वर्णमाला पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर अगला टॉपिक संधि जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, थैंक यू।